सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 10/51/2007 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम मुख्तार अंसारी थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर की बेनामी भवन संपत्ति स्थित वार्ड संख्या 12/8 यूसुफपुर बाजार नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद गाजीपुर में निर्मित भवन संख्या 77 में अभियुक्त मुख्तार अंसारी उपरोक्त द्वारा अपने चचेरे भाई मंसूर अंसारी पुत्र खुर्शेदुल हक अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर को दिनांक 17/8/2020 को हुए पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त 71/73 फुट लंबाई तथा 33/20 फुट चौड़ाई की भूमि पर भूतल पर 18 दुकानों का निर्माण करवाया गया है को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा अपने आदेश संख्या 132/18 जे थाना मोहम्मदाबाद कुर्की आपलिक 2023 दिनांक 6/3/2023 के तहत कुर किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर। जैसा विदित है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधी द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो कमाई की जाती है उससे जो भी संपत्ति अपने नाम या किसी अन्य के नाम ली जाती है तो उसे कुर्क करने का और जब्त करने का प्रावधान है। उसी के तहत कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के द्वारा थाना मोहम्मदाबाद में अपने चचेरे भाई मंसूर के नाम से दुकानें बनवाई गई थी जिनका चिन्हीकरण किया गया था। फिर विधिवत उसका आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्गत किए गए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। अनुमानित कीमत क्या होगी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? जो PWD द्वारा बताई गई है वो लगभग 26 लाख से ऊपर है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ से ऊपर है। सर इसके अलावा सादियाबाद में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 10/51/2007 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम मुख्तार अंसारी थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।